आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अक्कम। आज आपको माँ भारती के ऐसे दो लालों से मिलवाने जा रहा हूं जिन लालों के ऊपर गोदी मीडिया ने पूरी तरीके से चुप्पी इख्तियार कर ली है, क्योंकि माँ भारती के लालों के पीछे कोई मुस्लिम एंगल नहीं मिला है जिसकी वजह से ये खामोशी इन लोगों ने इख्तियार कर रखी है। और आपको बता दूं, ये माँ भारती के लाल जो अपने आप में कट्टर हिंदुत्वा होने का दावा करते हैं, ये माँ भारती के लाल मल्लिकार्जुन पाकिस्तान को हमारे देश की मिसाइलों की जानकारियां प्रदान कर रहे थे। ये देने वाला कोई मुसलमान नहीं है बल्कि मल्लिकार्जुन है, तो उस पर खामोशी इख्तियार कर ली है गोदी मीडिया ने। तो अब दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि योगी जी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला ये शख्स सोनू है, कोई मुसलमान नहीं है, इसलिए गोदी मीडिया ने इस पर पूरी तरीके से चुप्पी इख्तियार कर ली है। भले से गोदी मीडिया इस पर खामोश हो, इन माँ भारती के लालों को देश को जानना चाहिए कि जो आए दिन मुसलमानों को देश का गद्दार कहते हैं या सीएम योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के तमाम चीटाकशी मुसलमानों को लेकर के करते हैं, क्या इन माँ भारती के लालों को लेकर के भी देश के गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा? क्या है पूरा मामला, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान को मिसाइलों की जानकारियां देने वाला मां भारती का लाल मल्लिकार्जुन गिरफ्तार हो गया है। भारत के अधिकारियों का कहना है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में काम करने वाले एक इंजीनियर को एक पाकिस्तानी जासूसा को संवेदनशील जानकारियां देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इंजीनियर को कथित रूप से पाकिस्तानी जासूसा ने शादी और मोहब्बत का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और फिर भारत के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में जानकारियां देने पर मजबूर कर दिया। इस बारे में पुलिस की ओर से जारी की जाने वाली प्रेस नोट में 28 साल के इंजीनियर मल्लिकार्जुन रेड्डी की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई और बताया गया कि वे डीआरडीएल का एक कलेक्ट्रेट कर्मचारी था जो फरवरी 2020 में संस्थान में काम करा करता था। प्रेस नोट के अनुसार रेड्डी ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में जिक्र किया कि डीआरडीएल में काम करता है, जिसके बाद मार्च 2020 में उसे एक महिला की तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली जिसने ये जाहिर किया कि उसका नाम नताशा राव है। वे ब्रिटेन में रहती है और रक्षा मंत्रालयों के मैगजीन में काम करती है। पुलिस के अनुसार महिला जासूस ने इंजीनियर से भारत के परमाणु शक्ति संपन्न इंटर कनेक्टिक बैलिस्टिक मिसाइल और पनडुब्बी से मार करने वाले मिसाइलों के बारे में जानकारियां मांगी। अधिकारियों का कहना है कि शादी के वादे पर इंजीनियर ने जमीन से जमीन पर मार करने वाले भारतीय मिसाइल अग्नि और के सीरीज के मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारियां प्रदान कर दी हैं। आरोपी इंजीनियर का काम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जाकर वहां काम की प्रगति का जायजा लेना और डिलीवरी की तारीख तय करना था। आप सोचिए कि इस खबर के पीछे कोई उर्दू नाम होता तो गोदी मीडिया किस तरीके से बवंडर काट देता। और यही वो देश के गद्दार हैं जिनको वजह से देश के मुसलमानों को गद्दार कहा जाता है। पर आज गोदी मीडिया पूरी तरीके से मल्लिकार्जुन रेड्डी पर खामोशी इख्तियार करके बैठा हुआ है कि साहब मल्लिकार्जुन रेड्डी ही तो है, अगर कोई मुसलमान होता तो हम इस खबर की जानकारी देते और टीआरपी बढ़ाते और दिन रात पैकेज चलाते जिसपे संबित पात्रा को बुलाते, मैडम अंजना ओम कश्यप बैठती और ये बताती कि देखिए पाकिस्तान से जासूसी करने वाले भारतीय मुसलमान गिरफ्तार, और संबित पात्रा उधर से अपना ज्ञान बांटते, इधर तमाम अंधभक्त यूट्यूब की दुनिया में लगते मुसलमानों को गरियाने।
पर ये तमाम चीजें होती हुई दिखाई नहीं देंगी क्योंकि नाम के पीछे मल्लिका अर्जुन रेड्डी है। और ऐसा ही वाक्य योगी जी को बम से उड़ाने वाले शख्स के साथ भी देखने को मिला है, जहां आपको बता दें कि इस खबर ने खलबली मचा दी कि आखिरकार योगी जी को बम से उड़ाने की धमकी कौन दे रहा है। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी चुनाव से पहले बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार कर लाई और न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे गोरखपुर जेल भेज दिया गया। धमकी देने वाला आरोपी फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के अहमदपुर का रहने वाला है और भीम आर्मी का नेता है। सोनू लेडी डॉन के नाम से ट्विटर अकाउंट चलाता रहा, इस अकाउंट से उसने सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान 4 फरवरी 2022 को लेडी डॉन नाम के ट्विटर हैंडल से सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। चुनाव से पहले सीएम योगी को मिली इस धमकी से यूपी पुलिस के होश उड़ गए थे। पुलिस ने आरोपी को तलाशने की काफ़ी कोशिश की लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा था। लेडी डॉन ट्विटर हैंडल को ट्रेस करते करते गोरखपुर पुलिस आरोपी सोनू तक पहुंच गई। सोनू एक माह से आगरा जेल में बंद था, जिसके बाद गोरखपुर की कैंट पुलिस वारंट बी के तहत उसे गिरफ्तार कर गोरखपुर ले आई। यहां अदालत में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। सोनू फिरोजाबाद के सिरसागंज का रहने वाला था, जहां विधानसभा चुनाव के दौरान उसने योगी जी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। पर इस खबर को लेकर के चर्चा करनी थी गोदी मीडिया को, पर गोदी मीडिया यहां भी चुक गया क्योंकि मुस्लिम एंगल नहीं था, जिसको लेकर के सोशल एक्टिविस्ट की तमाम प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें एक सोशल एक्टिविस्ट लिखती हैं, फिरोजाबाद के सोनू सिंह ने लेडी डॉन के ट्विटर अकाउंट से गोरखपुर मंदिर और सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। उसने लिखा था कि राशिद और सुलेमान ने गोरखपुर और मेरठ में बम लगा दिए हैं। जांच हुई तो पता चला कि लेडी डॉन नाम से अकाउंट चलाने वाला सोनू सिंह है। सोनू सिंह ने लेडी डॉन नाम के अकाउंट से ये ट्वीट किए थे, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और 4 महीने से सोनू को पुलिस ढूंढती रही, लेकिन वे किसी अन्य मामले में आगरा की जेल में बंद था, जिसकी खबर प्रशासन को मिलते ही वारंट बी जारी कर गोरखपुर की अदालत में पेश कर दिया गया। इस कुख्यात सोनू की जो पूरी योजना बनाई गई थी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, वहां गोदी मीडिया ने ये पैकेज चलाए थे कि देखिए सुलेमान और राशिद ने बम लगा दिए हैं योगी जी को उड़ाने के लिए, और सुलेमान और राशिद का नाम इस्तेमाल करके उस नाम के पीछे कौन निकला? सोनू सिंह। ये दोहरा रवैया आखिरकार गोदी मीडिया का कब तक अपनाया जाएगा? जहां सुलेमान और राशिद नाम देख करके आपने तब तो बड़ा ज्ञान बांटा मीडिया के जरिए कि देखिए मुसलमान ऐसे मुसलमान ऐसे, अब तो पुलिस ने भी पड़ताल कर दी कि इस खबर के पीछे मुसलमान नहीं थे, तो क्या वो मीडिया बंधु मुसलमानों से आकर के माफी मांगेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और ऐसी ही तमाम रिपोर्टों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।